गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आदर्श मालनी केतन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ओर से कक्षा 12 की ऑनलाइन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं आपकी जो पाठ्य पुस्तक है सृजन, और सृजन में शुरुआत के पद्य भाग के दो चैप्टर जो है वो अपन पढ़ चुके हैं। अब इसका जो तीसरा चैप्टर है वो आज अपन पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति के दोहे, और जिसके कवि कौन है आपके रहीम दास जी हैं। तो सबसे पहले हम जो है रहीम दास जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे कि ये किस काल के थे, किस प्रकार की भक्ति इन्होंने की है, या किस प्रकार के दोहे इन्होंने लिखे हैं, कहाँ इनका जन्म हुआ है, क्या क्या इनकी रचनाएं हैं, कहाँ इन्होंने कार्य किया है। तो ये सारी जानकारी जो है वो अपन इनके जीवन परिचय से देखेंगे। तो नीति के दोहे रहीम, पाठ संख्या 3, जन्म है इनका 1556 में और मृत्यु है इनकी 1626 ईस्वी में। रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। तो ये इनका पूरा नाम है अब्दुल रहीम खान खाना। इनके पिता बैरम खान ने मुगल बादशाह हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के संरक्षक का दायित्व निभाया था। तो पिता का नाम है बैरम खान, और किस राजा के शासन में, मुगल शासक के काल में थे ये, हुमायूं के। और जब हुमायूं की मृत्यु हो गई तो उनके जो पुत्र थे अकबर, उनका वो क्या बने थे, संरक्षक बने थे। संरक्षक किसको कहते हैं, जो देखभाल करने वाला होता है उसको संरक्षक कहते हैं। रहीम बचपन से ही साहित्य प्रेमी और बुद्धिमान थे। उन्हें अपने माता पिता से वीरता, राजनीति, दानवीरता तथा काव्य जैसे गुण विरासत में मिले थे। रहीम का व्यक्तित्व तो बहुत प्रभावशाली था। वे सामंजस्यवादी थे, यानी एडजस्टमेंट जिसको कहते हैं अपन। श्री कृष्ण के प्रति भी उनकी अथाह श्रद्धा थी। अब देखो, मुस्लिम थे लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के प्रति इनकी जो भक्ति है वो इसमें बताएगी, श्रद्धा थी उनको। उन्होंने अपने काव्य में रामायण, महाभारत, पुराण तथा गीता जैसे ग्रंथों के कथान को यानी विषय वस्तु, पात्रों यानी जो उसके चरित्र हैं उनके बारे में भी बखूबी उल्लेख किया है। इनके काव्य में नीति, भक्ति, प्रेम और श्रृंगार का सुंदर समावेश मिलता है। यानी ये है इनके पद जो हैं यहाँ, उनमें नीति संबंधित, नीति की बातें बताते हैं ना, नियमों की कि किस तरीके से व्यक्ति को रहना चाहिए, भक्ति, ईश्वर के प्रति भक्ति, प्रेम और श्रृंगार। श्रृंगार भी प्रेम का ही एक रूप है, जिसमें संयोग और वियोग के बारे में बताया जाता है। रहीम को दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों में विशेष महारत हासिल थी। जिस प्रकार से अपन ग्रामर में पढ़ते हैं ना, व्याकरण में संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, वचन, कारक, उसी प्रकार से पद्य भाग की जो व्याकरण है जिसको काव्य शास्त्र बोलते हैं, तो उसके भी टॉपिक्स हैं जिनमें अलंकार है, छंद है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, और भी काव्य की रीतियां हैं, तो ये चीजें उसमें होती हैं। तो उनमें से ही आपका है एक टॉपिक छंद। तो छंद में इनके जो काव्य हैं उनमें विशेष तौर से छंद आए हैं, जिनमें आपका दोहा, सोरठा, बरवे तथा सवैया छंदों के बारे में, छंदों का प्रयोग जो है अपने काव्य में किया है। उनकी प्रमुख कृतियां हैं, कृतियां यानी रचनाएं, दोहावली, बरवे नाई का भेद, रास पंचाध्यायी, मदनाष्टक तथा नगर शोभा, ये इनकी रचनाएं हैं। अपने अनुभवों को उन्होंने जिस सरल शैली में व्यक्त किया वह अद्भुत है, यानी अलग है एकदम से। प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, पर दुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। तो ये चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि उनका जो यहाँ पद दिए गए हैं या उनके जो पद हैं उनसे हमें परोपकार, परोपकार यानी दूसरों के ऊपर से उपकार करना, सज्जनता यानी अच्छे पुरुष बनना, पर दुख कातरता दूसरों को दुखी नहीं करना, उनका सहयोग करना, स्वाभिमान और लोक व्यवहार। स्वाभिमान तो बताए ना, स्वयं का अभिमान। लोक व्यवहार यानी जो समाज में प्रचलित है। दीनों पर दया करने वाला, दीनों यानी गरीबों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। यानी जो गरीबों की सेवा करता है, दुखियों की सेवा करता है, उसे दीन बंधु, दीन बंधु किसको कहते हैं, भगवान को कहते हैं। और दुखियों की सेवा करने वाले को भगवान की उपमा दी गई है।
मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है, कभी भी मांगना नहीं चाहिए। कहते ना, मांगे मिले ना भीख, बिन मांगे मिले मोती। तो मांगने से भीख ही नहीं मिलती, बिना मांगे मोती भी मिल जाते हैं। तो मांगने से मनुष्य की महत्ता यानी महत्व जो है वो घटता है। उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को यानी श्रेष्ठ स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, अच्छे स्वभाव का जो व्यक्ति होता है, मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती है। अगर वास्तव में कोई अच्छा है और अपने को बिगाड़ना नहीं चाहता है तो उस पर संगत का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं, यानी सज्जन लोग जो होते हैं, अच्छे लोग जो होते हैं, परोपकार यानी दूसरों की सेवा के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं कि बाद में किसी को दान की जा सके, दी जा सके, हेल्प की जा सके। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जल विहीन बादल गरजते हैं। तो धनी व्यक्ति जो होता है ना, पहले कोई धनवान और बाद में गरीब हो जाता है, तो वो क्या करता है, बार बार अपने उन अतीत यानी पुराने जो बीते हुए दिन हैं कि मैं पहले ऐसे धन रखता था, ऐसे ये होता था और वो होता था, उन बातों की चर्चा करते हैं। किसके समान? आश्विन, आश्विन मास के जो बादल होते हैं वो क्या होते हैं, सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। तो उनके समान उन्हें जल विहीन यानी जिनमें पानी नहीं होता, सिर्फ गरजते हैं और चले जाते हैं, उसके समान बताया गया है। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए, यानी कोई व्यक्ति अच्छा है और वो हमारे बहुत काम आ रहा है तो उसे हमें चाहे 100 बार रूठ जाए तब भी 100 बार मनाना पड़े तो मनाएंगे। आँख से निकलने वाले आंसू घर बेदी की तरह, यानी अगर हम किसी के सामने रो रहे हैं, हमारी आंखों से आंसू निकल रहे हैं, तो वो क्या है, घर बेदी, घर का बेदी, लंका डाई, विभीषण के लिए कहा जाता है ना। रावण मरता नहीं अगर उसका भाई विभीषण राम के साथ नहीं होता तो घर का भेदी लंका ढाए। रावण की जो लंका थी वो ढह गई थी, क्यों? क्योंकि घर का भेद जिसे पता था, घर का जो व्यक्ति था विभीषण, जो उसका भाई था, वो जाकर के सामने वाले से मिल गया था, शत्रु से मिल गया था। और रावण के शत्रु कौन थे? राम। तो हमें कभी भी दूसरे के सामने आंसू नहीं बहाने चाहिए, अपने मन की जो व्यथा है, पीड़ा है, उसे नहीं बताना चाहिए, जग जाहिर यानी संसार के सामने नहीं कहना चाहिए। और कह देते हैं अगर उसके सामने हम, तो वो जाकर के सारे लोगों में कर देता है उस बात को। काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न भिन्न होता है, यानी जब अपन को किसी से काम होता, मतलब होता, तब तो 4 बार उसको पूछते हैं, और जब काम नहीं है, मतलब नहीं है, तो 1 बार भी मुड़ के उसकी तरफ नहीं देखते। तो इस प्रकार से ये जो पद हैं शॉर्ट में बता दिए गए हैं कि ये जो सारे पद हैं इनमें जो आपके रहीमदास जी हैं क्या कहना चाह रहे हैं। अब पढ़ेंगे इनके पद, नीति के दोहे। रहीमन देखी बड़ेन को लघु न दीजिए डारी, जहां काम आवे सुई कहां करे तलवारी। तलवारी, तलवार, लघु, छोटा, डारी यानी डाल देना, बड़ेन यानी बड़ा। रहीमदास जी कहते हैं कि बड़े को देख करके छोटे को नहीं छोड़ देना चाहिए, नहीं डाल देना चाहिए। जहां काम आवे सुई, जहां अपने काम क्या आ रही है, सुई, जैसे सिलाई करनी है अपन को तो क्या काम आएगा, सुई काम आएगी, तलवार थोड़ी काम आ जाएगी। कांटा निकालना है, वहां सुई काम आएगी, तलवार थोड़ी काम आ जाएगी। तो इस प्रकार से इसमें कह रहे हैं कि बड़े को देख करके छोटे के महत्व को कम नहीं करना चाहिए, उसे महत्वहीन नहीं करना चाहिए, फेंक नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहां छोटी चीज की जरूरत है, सुई की जरूरत है, वहां सुई काम आएगी, और जहां तलवार की जरूरत है, वहां तलवार ही काम आएगी। सबका अपना अपना महत्व होता है, इसलिए कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो इस प्रकार से दोहे के माध्यम से नीतिगत बात उन्होंने कही है कि समाज में हर एक चीज का अपना अपना स्थान है, अपना अपना महत्व है, कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। दूसरा जो पद है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, रहीमन मूल है सिची बो फूले फले अगाए। यानी एक कार्य को साधने से, करने से सब कार्य हो जाते हैं, सब साधे सब जाए, सारे सद जाते हैं, हो जाते हैं। जिस प्रकार से क्या कह रहे हैं, मूल ही सिंची बो, मूल यानी जड़, हम क्या करेंगे, किसी पेड़ की जड़ को सींचेंगे तो उसके पत्ते हैं, टहनियां हैं, उन सब पे अपना पानी चला जाएगा। तो फूले फले अघाए, तो अपने आप ही वो जो पूरा पेड़ है वो अपने आप ही फलने फूलने लगता है। तो हम जैसे कर्म करेंगे,
वैसे ही कर्म हमारे दिखेंगे और वैसा ही फल हमें मिलेगा। तो अगर हम ये सोचते हैं कि नहीं, बाहर से तो मैं अच्छा दिख रहा हूँ, अंदर मैं बुराई के लिए हुए हूँ, तो जैसा हम करेंगे वैसा ही हम पाएंगे। जिस प्रकार से एक पेड़ की जड़ में अगर हम पानी देते हैं, मूल में पानी देते हैं, तो पूरा पेड़ जो है फलता फूलता है। तीसरा जो पद है, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तेसो ही फल दीन। अब एक स्वाति नक्षत्र होता है जिसकी एक बूंद जहां गिरेगी वहां उसी रूप में काम करेगी। अब जैसे कदली यानी केला, केले पे गिरती है तो कपूर बनती है, सीप पर गिरती है तो मोती बनती है, और भुजंग यानी सांप, सांप के मुख में गिरती है तो जहर बनती है। तो एक चीज सेम है, तीन जगह तीन प्रकार की हो गई। कपूर बहुत शुद्ध माना जाता है अपने यहाँ, केले पर गिरने पर कपूर बनेगा, सीप पर गिरने पर सीपी मोती बन जाएगा जो बहुत कीमती होता है, और सांप के मुख में गिरने से जहर बन जाएगा। तो एक ही वस्तु के अलग अलग तीन गुण बताए गए हैं। वो वस्तु क्या है? स्वाति नक्षत्र की एक बूंद मानी जाती है, उसकी सी बूंद होती है कोई उसके लिए। जैसी संगति बैठिए, जैसी संगति में आप बैठेंगे वैसो ही फल आपको मिलेगा। जैसे इस बूंद का मिला ना, जैसी संगति में ये गया, जैसे केले पर गया कपूर बना, सीप पर गया मोती बन गया कीमती, और सांप के मुख में जाने से जहर बन गया, तो जैसी संगति में वो रहा वैसा ही वो बन गया। तो इस प्रकार से संगति का जो प्रभाव है वो इसमें दिखाया गया है कि हम जैसी संगति में रहेंगे वैसा ही प्रभाव जो है वो हमें दिखाई देगा। काज परे कछु और है, काज सरे कछु और, रहिमन भवरी के भये नदी सिरावत मोर। अब क्या कह रहे हैं कि काज यानी कार्य, कार्य पढ़ने पर तो कुछ और है, और जब काम हो जाए, काज सरे कछु और, जब काम सद जाए हो जाए, तब जो है व्यक्ति कुछ और हो जाता है। रहिमन भवरी के भये नदी सिरावत मोर, इस जिस प्रकार से हम नदी से क्या करते हैं, नदी पार की, और उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, नाव का कोई महत्व नहीं होता, उसी प्रकार से व्यक्ति क्या करता है कि जब अपन भवन में फंसे हुए नदी पार करनी है, तब तो अपन क्या करते हैं, नाव काम में लेते हैं और फिर उस नाव को छोड़ देते हैं उस उतरने के बाद, उसी प्रकार, और उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखते। उसी प्रकार से व्यक्ति भी क्या होता है कि अगर किसी से मतलब होता है, काम होता है, तब तो क्या होता है, उसकी मनवार करता, उसको मनाता है, और जब काम नहीं होता तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है। जो रहिमन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। अब इसमें संगति के बारे में बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति अगर वास्तव में उत्तम प्रकृति का है तो बुरे व्यक्ति को बदल सकता है, ना कि उसकी तरह खराब होगा। तो इसमें कह रहे हैं कि जो रहिमन उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, जो मनुष्य उत्तम प्रकृति का होता है, श्रेष्ठ प्रकृति का होता है, प्रकृति यानी स्वभाव, स्वभाव का होता है, का करी सकत कुसंग, तो उस समय कुसंगति क्या करेगी, तो वो उस कुसंगति से बिगड़ेगा नहीं, खराब नहीं होगा, बल्कि जिस प्रकार से चंदन विष व्यापत नहीं, चंदन के जो वृक्ष होते हैं उन्हीं पर सांप रहते हैं आपको बताओ तो, लेकिन वो चंदन का जो वृक्ष है वो चंदन ही बना रहता है, सांप से जहर का गुण नहीं ले लेता, और ना ही सांप जो है वो अपने जहर को छोड़ देता, दोनों उत्तम प्रकृति हो गई एक तरीके से, वो अपनी बुराई को नहीं छोड़ रहा, वो अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ रहा। तो चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, तो चंदन का जो पेड़ है वो जहरीला नहीं बन जाता, और सांप जो है वो अपनी प्रकृति को नहीं, भुजंग यानी सांप, सांप जो है वो अपनी प्रकृति को नहीं छोड़ता है। रूठे सूजन मनाइए जो रूठे सो बार, रहिमन फिरी फिरी पोइए टूटे मुक्ता हार। अब रहीमदास जी क्या करेंगे, रूठे सूजन, सूजन यानी अच्छे जन, सू का अर्थ क्या होता है, अच्छा, जन यानी लोग, तो जो लोग अच्छे होते हैं उन्हें 100 बार मनाना पड़े तो भी हमें मनाना चाहिए बार बार। और जिस प्रकार से रहिमन फिरी फिरी पोइए कि बार बार हम क्या करते हैं, कोई मोतियों का हार है अपना टूट जाए, वो मोती क्या है, कीमती है, टूटे मुक्ता हार, मोतियों का हार टूट जाए और वो मोतियों का हार कीमती है, तो अपन क्या करते हैं, बार बार उनको पोने के लिए दे देते हैं या पो लेते हैं, वापस उसकी माला बना लेते हैं। उसी प्रकार से अच्छा व्यक्ति अगर आपसे रूठ जाता है
तो 100 बार भी अगर उसको मनाना पड़े तो हमें मनाना चाहिए। तरुवर फल नहीं खात है, सरबर पिए ही नहीं पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। अब रहीमदास जी क्या करें, तरुवर, तरुवर यानी आपका जो पेड़ है वो अपने फल कभी नहीं खाता। पेड़ खाता है क्या फल अपने? नहीं खाता। सरोवर क्या अपना पानी पीता है? सरोवर यानी सरोवर, तालाब, नदी। क्या अपना पानी खुद पीते हैं? नहीं, दूसरों को देते हैं। पिए ही न पान, कही रहीम पर काज हित। लेकिन रहीमदास जी क्या कह रहे हैं यहाँ, पर काज हित, दूसरे के हित के लिए वो फल जो है दे देते हैं, पानी जो है वो दे देते हैं। उसी प्रकार से संपत्ति सच ही सुजान, अच्छे मनुष्य, सुजान यानी अच्छे मनुष्य जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी संपत्ति का जो संग्रह करते हैं वो संग्रह भी व्यक्तियों के भले के लिए, पर काज के लिए दे देते हैं। तो इसमें क्या कहा है कि पेड़ अपने फल कभी नहीं खाता, सरोवर या तालाब जो अपना पानी कभी नहीं पीता, दूसरों को ही देता है, उन्हीं के समान हमें क्या करना चाहिए, अच्छे मनुष्य जो होते हैं वो अपनी संपत्ति का संग्रह जो है दूसरों के हित के लिए करते हैं, उन्हें दे देते हैं। थोते बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछिली बात। अब थोते बादल क्वार के, कार्तिक मास या आश्विन मास के जो बादल होते हैं अपन देखते हैं ना, अक्टूबर के बाद ये जो बादल आते हैं, अब जैसे कार्तिक का महीना पिछला गया था और उससे पिछला जो महीना था, उन महीनों में क्या होता है, आपके बादल जो होते हैं वो सिर्फ गरजते हैं, उनमें पानी नहीं होता है। वास्तव में जिन बादलों के अंदर पानी होता है ना वो हाथों हाथ बरस जाते हैं। तो यहाँ तुलना की गई है कि तो थोथे, थोथे यानी खाली, बादल कुंवर के, कार्तिक या आश्विन के जो बादल हैं, जो रहीम गहरात, तो रहीमदास जी कह रहे हैं कि वो सिर्फ क्या होते हैं, गहराते हैं, उनमें पानी नहीं होता है। धनी पुरुष निर्धन भये, उसी प्रकार से धनवान पुरुष जब गरीब हो जाता है, निर्धन हो जाता है, तो वो क्या करता है, बार बार पिछली बातें गाते रहते हैं कि मैं जब अमीर था मैं ऐसे करता था, ऐसे गाड़ी में घूमता था, होटल में जीमता था और वो करता था। तो उन्हीं के समान उन्हें बताया गया, किसके समान, कार्तिक मास और आश्विन मास के बादलों के समान धनी पुरुष को बताया गया है, जो अपनी पिछली गाथाएं गाता रहता है। अब जैसे कोई ट्वेल्थ में बैठा है, बिल्कुल नहीं पढ़ता, नंबर नहीं आ रहे उसके, और वो पिछली गाथा कह रहा हो दसवीं में बहुत होशियार था, नौवीं में होशियार था, तो वो चीज़ें माननी थोड़ी होगी। अब ट्वेल्थ में करते रहे जो करना है और हमेशा करता रहे, तब वो चीज़ मान्य होती है, ना कि पिछली गाथा है, वो मैं एलकेजी यूकेजी में रैंक लाता था, आज तो सप्लीमेंट्री और फेल हो रहे। तो उन गाथाओं को ना गाएं, बल्कि जो प्रेजेंट है आपका, वर्तमान है, उसमें भी आप अच्छे बने रहें। तो ये आपके रहीमदास जी के पद थे, जो अपन ने आज 3, 4, 5, 6, 7, 8 पद जो है वो पढ़ लिए हैं। इनको आप, क्योंकि रहीमदास जी का जो प्रश्न है, या तो बड़ा प्रश्न इनसे उठाया जाता है कि रहीमदास जी की नीतिगत जो बातें हैं, भक्ति की जो बातें हैं, उनके बारे में बताइए, या फिर इनमें से कोई भी दो पद देख करके आपसे व्याख्या पूछ लेंगे। तो ये जो पदों वाली जो व्याख्या है ये सारी करनी पड़ेगी आप लोगों को, क्योंकि किसी भी पद का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। पैराग्राफ जुड़ा हुआ होता ना, पूरा चैप्टर जुड़ा हुआ होता तब तो हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है, हर एक पद जो है वो अलग अलग है, इसलिए हर एक पद का प्रसंग, व्याख्या, विशेष, संदर्भ जो है अलग अलग ही आपको लिखना पड़ेगा। तो आगे का जो चैप्टर है वो अपन कल पढ़ेंगे, अगले सप्ताह पढ़ेंगे। और इससे पहले आप जो है अपना जो गृह कार्य आपको दिया जा चुका है या दे रहे हैं, उनको कंप्लीट करके रखें, जिससे कि जब आप इनकी तैयारी करो एग्जाम टाइम में, तो आसानी से आपको याद रहे, आप उनको पढ़ सको, अच्छे से अपने नोट्स तैयार कर लो। धन्यवाद।